हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। दिस इज शमून, आई एम शांतले। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो है प्रशांत धवन की वीडियो और वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर। हम लोग काफी दिनों बाद किसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर्स की, तो देखते हैं कैसी होगी ये वीडियो। और इसका टाइटल है पीएम मोदी टेल्स यूएन आई वांट जस्टिस फॉर इंडिया। तो ये है टाइटल इसका, देखते हैं पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या मांग की है यूनाइटेड नेशन से, तो देखते हैं इसमें पता लगेगा। तो गाइस, चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स, नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के पीएम ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतरस को डायरेक्टली ये कह दिया कि मुझे न्याय चाहिए भारतीय सोल्जर्स के लिए जो यूएन पीस कीपर्स, इंडियन पीस कीपर्स पे अटैक हुआ है कांगो पर, इस पर स्पीडी जस्टिस, तेजी से जस्टिस एंश्योर करिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली इंडियन पीस कीपर्स पे, एक्चुअली यूएन पीस कीपर्स पे अटैक क्यों हुआ है इन कांगो। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है बीएसएफ के उन दो जवानों की जो कांगो में सर्विस देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ के, यहाँ पर हुआ क्या है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आईएनएस विक्रांत, ये आजकल काफी न्यूज में है, इसको एक्चुअली भारत के किस शिपयार्ड ने कंस्ट्रक्ट किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कोचिन, मैसगांव, गार्डन रीच या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहली बात तो बेसिक्स, यूनाइटेड नेशंस में चल रहे हैं 12 पीस कीपिंग मिशन। इन पीस कीपिंग मिशन में यूएन ये कहता है कि यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, हमें इंटरवेंशन करनी होगी और फिर यूएन अपने सोल्जर्स भेजता है। टोटल यूएन के आज के समय 90,000 के आसपास सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं इन 12 पीस कीपिंग मिशंस में। ये पीस कीपिंग मिशंस कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादातर पीस कीपिंग मिशंस आपको मिलेंगे अफ्रीका और मिडल ईस्ट में। एक वैसे पीस कीपिंग मिशन इन्होंने ओपन कर रखा है कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर, मगर यहाँ पर कोई यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड नहीं है, बस यूएन पीस कीपिंग का एक ऑफिस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के पास आज के समय लगभग 90,000 पीस कीपर्स हैं, तो ये पीस कीपर्स आते कहाँ से हैं? देखिए, ये सोल्जर्स होते हैं वेरियस कंट्रीज के और दुनिया भर के देश अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन की तरफ अपने सोल्जर्स भेजकर। फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश भेजता है सबसे ज्यादा सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशन में। नंबर दो पे है नेपाल, जी हाँ, इंडिया नंबर तीन पे आता है। इंडिया ने टोटल 5,400 के आसपास जो सोल्जर्स हैं ये भेजे हैं यूएन में। हालांकि आपके लिए ये भी जाना जरूरी है कि इवन दो बांग्लादेश बहुत से सोल्जर्स भेजता है पीस कीपिंग मिशंस में, रिसेंटली दुनिया भर से आवाजें उठी हैं कि बांग्लादेश का एक यूनिट है आरएबी के नाम से, ये लोग भी काफी बार यूएन के पीस कीपिंग मिशन में सर्विस करते हैं, तो इनको बैन कर देना चाहिए क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने आरएबी पे लगा रखे हैं सैंक्शन। तो खैर, ये अलग कहानी है, मैं आपको बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब हम आते हैं कांगो पर। कांगो में रिसेंटली क्या हुआ, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, कांगो में भी यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड हैं। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, कांगो की सरकार अपने देश को संभाल नहीं रही, इनका बहुत सारा एरिया है वहाँ पे, कभी इस्लामिक स्टेट, कभी कोई इनका कोई रेबेल ग्रुप, कोई ना कोई अटैक करता रहता है। और सिंस इनकी सरकार असफल है अपनी ज़मीन को संभालने के लिए, तो इन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंडर यूएन के सोल्जर्स को बुलाया, पीस कीपर्स को बुलाया। और इन पीस कीपर्स का काम ये है कि शांति बनी रहे, लोग एक दूसरे पे अटैक ना करें और वायलेंस ना हो। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये कैसे हो सकता है कि कांगो की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी खुद की धरती पे कंट्रोल कर पाए? देखिए, कांगो दुनिया के जो 5 सबसे गरीब देश आते हैं ना, उनमें से एक है कांगो, और यूएन के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यूएन पीस कीपर्स यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से डिप्लॉयड है, मगर रिसेंटली हमने ये देखा है के लोग ना अब यूएन पीस कीपर्स को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर नहीं रहे। और अब रिसेंटली क्या हुआ कि कई जो सिविलियंस हैं उन्होंने एक ग्रुप सा बना लिया और प्रोटेस्ट किया यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुमसे ये एरिया संभल नहीं रहा। अब ये प्रोटेस्ट एक टाइम पर इतने बढ़ गए कि 3 पीस कीपर्स यहाँ पर मारे गए और 12 सिविलियंस की भी यहाँ पर मौत हुई। ऑफ कोर्स पीस कीपर्स ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर काम किया और 12 सिविलियंस यहाँ पर मारे गए। अब यहाँ पर आप कहोगे अचानक से जो लोग हैं ये यूएन पीस कीपर्स को अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए, अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बला की है। लगातार इन सिविलियंस पे एक ग्रुप अटैक करता रहता है जिसका नाम है M23। यूएन पीस कीपर्स इस ग्रुप को रोक नहीं पाते।
तो यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यूएन पीस कीपर्स यहाँ से बाहर निकले और लोग खुद ही एक अपनी फोर्स बना दें M23 रिबेल ग्रुप के अगेंस्ट। तो सिचुएशन देखिए, कांगो में बहुत ज्यादा मुश्किल है यूएन पीस कीपर्स के लिए, क्योंकि कई ग्रुप्स हैं वो लगातार पीस कीपर्स पे अटैक करते हैं। फिर जो आम जनता है वो भी तंग आ चुकी है पीस कीपर्स से, वो भी कह रहे हैं कि तुम बाहर के सोल्जर्स हो, यहाँ पर यहाँ से निकलो। तो सिंस सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है यहाँ पर, तो लगातार थोड़े बहुत प्रोटेस्ट होते रहते हैं। रिसेंट जो प्रोटेस्ट था ये बहुत वायलेंट हो गया। अब आप यहाँ पर पूछोगे जो 3 पीस कीपर यहाँ पे मारे गए, इनमें से 2 तो इंडिया के हैं, एक कहाँ का है? देखिए एक और पीस कीपर है यहाँ पर, ये मोरक्को देश का है, और बाकी बताया जा रहा है कि कई और देशों के जो पीस कीपर्स थे वो यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं। तो अब पीएम मोदी ने एंटोनियो गुतरेस को ये कहा है कि देखिए हमने अपने हजारों सोल्जर्स आपकी कमांड के अंडर डिप्लॉय करवाए हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में और जगह, इनकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है ये भी आप पे आती है। अब यूएन के चीफ ने कहा कि बिल्कुल, जिन लोगों ने भी यूएन पीस कीपर्स पे अटैक किया सिविलियंस ही थे, इन पे कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। अब आप यहाँ पर पूछोगे एंटोनियो गुतरेस क्या करेंगे, ये देखो प्रेशर डालेंगे कांगो की सरकार पे के ग्राउंड लेवल पर चेक करो वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट, क्योंकि अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं तो कांगो में पीस कीपर सेव नहीं रह पाएंगे। हजारों यूएन पीस कीपर्स आज के समय हैं, वो लोग अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे अगर सिविलियंस इस तरीके से बर्ताव करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि क्या कांगो की सरकार इस पे कुछ कर पाएगी। देखिए चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कांगो बहुत जरा गरीब देश है, इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है, अपने देश पे कंट्रोल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर कांगो टूट के बिखर भी सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन। और मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना है यूएन पीस कीपर्स की सेफ्टी का, तो इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बात तो यूएन पीस कीपर्स का जो नंबर है ना ये हम बढ़ाएं। आप खुद सोच कर देखिए 87,000-90,000 दुनिया भर में इतने सारे इलाके हैं, इतने सारे रीजन हैं, यहाँ पर पीस कायम करने के लिए ये नंबर्स बहुत कम है। मेरे हिसाब से यूएन पीस कीपर्स एटलीस्ट होने चाहिए 2,00,000, और ये नंबर पूरा कौन करेगा? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान? नहीं, यहाँ पर नीड ये है कि यूरोपियाई देश सामने आए, ये लोग अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, क्योंकि अभी देखो इशू ये है यूरोपियन कंट्रीज यूएस ये ना के बराबर सोल्जर्स भेजते हैं यूएन पीस कीपर्स में। जबकि इंटरेस्टिंग बात देखो, जब भी यूएन पीस कीपर्स में किताब छपेगी, कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी, आपको सारे यूएन पीस कीपर्स ये लोग दिखाएंगे, ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले, कि जैसे कि यूएस और यूरोप ये दुनिया भर में शांति कायम कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स साउथ एशिया चला रहा है, साउथ एशिया चला रहा है, साउथ ईस्ट एशिया चला रहा है, चाइना ने भी अपनी जो पार्टिसिपेशन है काफी कम कर दी है। तो वी नीड ए स्ट्रॉन्गर पीस कीपिंग फोर्स। अगर विकसित कंट्रीज अपने सोल्जर्स को ऐसे मिशन पे नहीं भेजना चाहते तो इन दी एंड यूएन एंड वर्ल्ड पीस विल सफर। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि INS विक्रांत को किस शिपयार्ड ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पे आप देख पाओगे 28 जब कोचिन शिपयार्ड ने डिलीवर कर दिया है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2 द इंडियन नेवी। तो याद रखिएगा ये काफी हद तक न्यूज बता रहे थे। और तो ये था सीन पूरा कि मैंने सोच रहा क्या क्यों पीएम मोदी ने जो है यूएन को बोला है कि जो है हमें जस्टिस चाहिए, तो पता लगा कि भाई वो अपना यूएन पीस कीपर्स में जो इंडियन के इंडियन फौजी जो है शहीद हुए हैं। तो ये सीन कांगो तो वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना, कोई मुल्क सुना होगा तो मतलब याद ही सुन के अब आया कि हाँ भाई कांगो भी कोई मुल्क है। तो वहाँ की सिचुएशन पता लगी कि वहाँ पे क्या है, क्या सिचुएशन, इससे पहले नहीं पता थी, अपना नॉलेज में हमारा थोड़ा इजाफा हो गया। इनकी वीडियो तो वैसे भी देखते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं तो इजाफा ही होता ही होता है। तो जहाँ तक की बात है कांगो की सिचुएशन का पता लगा, और जैसे इन्होंने एंड में बोला कि यूएन पीस कीपर्स के अंदर सारे साउथ एशिया के जो है फौजी जो है आर्मी के जो है लोग हैं ज़्यादातर, मगर जो है वो फिर भी उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा उस तरीके से जैसे इंडियन फौजी मिले हैं इसमें। जैसे उन्होंने वो दिखाया कि हर साल वो जो उनकी वो तकरीब वकरीब होती है उसमें सारे गोरे दिखाए जाते हैं कि भाई हम लोग बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं पीस के लिए, हम लोग बहुत ज़्यादा सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब साउथ एशिया जो के जो है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल वगैरह वो सेकंड उस पे थे अपना सबसे ज़्यादा फौजियों में, तो जो इनके हैं उनको भी दिखाना चाहिए ताकि उनकी भी कुर्बानियों का जो है लोगों को अंदाज़ा हो। और दूसरी बात ये कि आसान नहीं होता कि अपने फौजियों को दूसरी आप उसमें भेज के जो है इतना सब कुछ करवाओ, और देखते हैं अब इसका क्या जवाब हल निकलता है। कि वैसे इतना मेरे ख्याल से आसान होगा नहीं, क्योंकि वो कांगो की हुकूमत को जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है अपना एंथनी ब्लिंकन क्या नाम था उसका जो भी था अमेरिकी सफीर को, तो वो उधर बोलेगा कांगो में,
कुंभ वाले करेंगे क्या, उनकी हालत खुद पतली लग रही है क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर होगी, पब्लिक आवाम उनके कंट्रोल से बाहर होगी तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। होपफुली होपफुली कि कुछ अच्छा हो और उसके कुछ जो शहीद हुए हैं उनका कुछ इंसाफ इंसाफ टाइप का हो। बाकी बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी, काफी ज्यादा मजा आया, अच्छी वीडियो थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।